Hello dear students, welcome to English class. So students, if you remember, we are studying nouns and we have also solved many exercises on identification of nouns. Now today we are going to study about the different types of nouns. Yes, noun is also classified into various types because the world of noun is very wide. So to differentiate one object from the other, they are classified into different types. Okay, so now in grammar we are going to study about mainly the five types of nouns. Okay, so let's start. The five types of nouns are: first one is proper noun, next common noun, the third one is collective noun, fourth one material noun, and the fifth one is abstract noun. So these are the five types of noun. I repeat: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. So these are the five types of nouns about which we are going to study, but today we are going to study the first one, that is the proper noun. Now students, what do you mean by proper? The name itself suggests that something that is very specific or accurate. Proper ka matlab hota hai kuch aisa jo bahut hi perfect ho, accurate ho, particular ho ya specific ho. Yes, so that is what is proper noun. Proper noun is a specific name given to a person, place, animal or thing. Okay? जब हम किसी भी चीज को पर्टिकुलर को पॉइंट आउट करके बात कर रहे होते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है. ओके, एंड द रूल फॉर द राइटिंग और फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर नाउन इज दैट द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर. ओके, सो प्रॉपर नाउन, वेदर हम कोई भी सेंटेंस अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट अल्फाबेट तो हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल होगा ही. और अगर वो सेंटेंस के बीच में भी कभी आ रहा है, कोई नाउन यूज हो रहा है, तो वहां पर भी उसे हम कैपिटल ही लिखेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन. सो दिस इज द इजिएस्ट वे यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन डिफ्रेंशिएट वेरियस नाउन्स. प्रॉपर नाउन को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. अगर बहुत सारे नाउन्स हैं और आपको ये कहा जाए कि इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. उसका जो फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा. ओके, सो प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन, स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउ फॉर एग्जाम्पल लाइक रोहित, लंदन, जयपुर, और लाइक आवर नेम ऑफ आवर स्कूल ऑलवेज वी राइट इन कैपिटल लेटर, बगड़िया बाल विद्या निकेतन, ये हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ स्कूल. लाइक द प्लेस वी लिव लाइक लक्ष्मणगढ़, तो लक्ष्मणगढ़ में जो एल है वो हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे. अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. लाइक सीकर और राजस्थान, सो ये जो भी नेम्स हैं ये प्रॉपर नेम्स हैं, स्पेसिफिक नेम है. इनसे हमें पता चल जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन होता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थ्रू सम एग्जाम्पल्स, सो लेट्स सी देम. ओके, द फर्स्ट वन इज शी इज रिया माई सिस्टर. सो हियर यू कैन सी द विच नेम इज रिटन, मतलब कौन सा जो वर्ड है वो प्रॉपर में, प्रॉपर नाउन में लिखा है या कैपिटल में लिखा है. जैसे कि रिया, रिया में आर कैपिटल है ना, फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो कैपिटल है. इट मीन्स दैट दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, सो रिया इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन इज माई फादर वेंट टू गुजरात. अगेन गुजरात इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. इट इज अ प्रॉपर नेम गिवन टू अ प्लेस. एक प्रॉपर नेम अटैच किया गया है किसी जगह के लिए, तो गुजरात क्या होगा, इट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज आई हैव अ पेट डॉग टॉमी. अगेन द नेम ऑफ अ डॉग इज रिटन हियर एंड इट इज रिटन इन बोल्ड, सो टॉमी क्या होगा, इट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज मिस्टर राहुल इज अ गुड डॉक्टर. सो हियर मिस्टर राहुल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये नाउन है. और क्योंकि ये कैपिटल में लिखा है और ये प्रॉपर हमें पता चल रहा है हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, हम मिस्टर राहुल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिस्टर राहुल जो है ये क्या है, इट इज प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन शी स्टडीज इन सेंट मैरी स्कूल.
Nairi School. Now here the name of a school is given. It's a proper name of a school. It's written in capital. So Saint Mary School is a proper noun. Okay. Next one, Liberty is a famous brand. Okay. So Liberty जो word है ये भी bold में लिखा हुआ है, capital में लिखा हुआ है और ये proper noun है because it is a name of a ब्रांड. इससे हमें पता चल रहा है कि हम किस ब्रांड की बात कर रहे हैं. हम लिबर्टी ब्रांड की बात कर रहे हैं. तो लिबर्टी इज अ प्रॉपर नाउन. अगेन रसना इज माय फेवरेट ड्रिंक. ओके सो रसना इज आल्सो अ इज अ नेम ऑफ अ ड्रिंक. तो हम कोई पर्टिकुलर कॉमन ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं. तो रसना क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा. नेक्स्ट इज अमित गॉट टाइटन वॉच एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर. अब इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहाँ है, देर आर टू प्रॉपर नाउन. वन इज अमित बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड अदर वन इज टाइटन. टाइटन भी एक ब्रांड का नाम है. तो यहाँ पर टाइटन और अमित दोनों प्रॉपर नाउन है. एंड द लास्ट वन इज जॉनी इज अ नॉटी चाइल्ड. ओके सो यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, यस करेक्ट इट्स जॉनी. जॉनी यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू ऑल्सो कैन इजिली आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन. बिकॉज सबसे पहला साइन ये है कि कोई भी जो नाम होगा या कोई भी नाउन होगा अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा. ये रूल आपको भी फॉलो करना है. सपोज इफ यू आर राइटिंग सेंटेंस और इफ यू आर मैंशनिंग समवंस नेम, किसी का भी नाम आप अगर लिख रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन मतलब कैपिटल में ही लिखा जाएगा. सपोज अगर मेरा नाम है, आपका नाम है, तो हम हमेशा जो फर्स्ट अल्फाबेट है अपने नाम का वो कैपिटल लिखेंगे. ओके तो किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम और प्रॉपर अगर उसका नाम दिया गया है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा और वो प्रॉपर नाउन होगा. ओके स्टूडेंट्स सो मुझे लग रहा है इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत ही इजिली समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या है. इन द नेक्स्ट वीडियो we are going to learn about other nouns. Till then, thank you and have a nice day.